हमारी मेहनत ये कुल मिलाकर अगर लगाकर कंपनी को लगता है 10 रुपये है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने ये करा है वो एक सिर्फ 5 दिन के लिए हम लोगों की तसल्ली के लिए हमारे साथ बैठ के काम करके देखे, ऑर्डर मार के देखे, 3 मंजिल 4 मंजिल के ऑर्डर ले जाकर देखे, तो उनको शायद हमारी परेशानी का एहसास होगा। Blinkit, a quick grocery delivery app in India, has slashed the pay of its delivery partners to as little as around 18 cents or rupees 15 per delivery. Delivery partners in different parts of the capital city, New Delhi, and across other Indian cities have gone on strike, protesting this fall in their wages. These drivers regularly work for over 12 hours a day, all 7 days of the week, in order to earn a basic wage for themselves and their families. They have to work in harsh weather conditions and often need to drive dangerously, violating traffic laws in order to meet Blinkit's promise of delivering within 9 minutes. In case of any accidents, they do not get any allowance to recuperate from their injuries, and the insurance provided is nearly impossible to claim. ये देखिए, फरवरी जनवरी के अंदर मैंने 1077 ट्रिप करी है, लॉग इन टाइम है लगभग 395 घंटे। अब इसके अंदर मेरी अर्निंग है 49,965 रुपये, लगभग 50,000 रुपये मेरी अर्निंग है, तो मैं कैसे अपने घर को इतने कम में चला पाऊँगा। और हम वो लोग हैं जो इस कंपनी के लिए मेहनत की है हम लोगों ने, ये हम वो लोग नहीं है जो आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा काम करके, क्योंकि कंपनी जो ये कहती है, कंपनी ये कहती है कि आप अपनी मर्जी से आओ अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग घर से निकलते थे तो मेहनत करने के लिए निकलते थे, अपनी अर्निंग के लिए निकलते थे, इसलिए नहीं निकलते थे कि आएँ और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करें या पार्ट टाइम करें। हम पार्ट टाइमर नहीं है, हम परमानेंट काम करने वाले, जिनको एक सिंगल काम यही था हमारे पास। सर यहाँ यही है कि आप, हम इनसे कुछ नहीं कह सकते, जो जैसे कहेंगे वैसे हम यहाँ काम कर, बदमाशी का तौर पर काम होता है। हम यहाँ से स्ट्राइक भी कर लेंगे ना, बंद कर देंगे, तो ये नए लड़के हायर कर लेगी और नए लड़के इसी रेट कार्ड पर आराम से काम करेंगे, और कुछ दिन बाद उनका भी रेट कार्ड घटा देगी। इनका कहना है हम कमाए तुम मत कमाओ, तुम खाली मजदूरी करो बस। इससे पहले भी डिलीवरी में करते थे, अमेजोन में, नई नई कंपनियों में कराया, कुछ कुछ दिन करते हैं, सब में ऐसे ही है, कम पैसे मिलते हैं, मेहनताना ज़्यादा देना पड़ता है, तो कंपनियाँ चेंज करते रहते, टिक्के कर ही नहीं पाते कहीं। 10 मिनट का दबाव ये है, हम अगर 10 मिनट का हमें टाइम मिलता है, 10 मिनट में, 8 मिनट में, 5 मिनट। अभी हमारा Blinkit का स्टोर है, अब हमें जैन कॉलोनी वहाँ जाना है, सामने है जैन कॉलोनी। अब हम क्या करते हैं ना, शॉर्टकट के रास्ते के लिए इधर से नहीं घूमते, वहाँ से घूम के घुस जाए, चाहे हमारा एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, इनसे कंपनी से मतलब नहीं। कंपनी को चाहिए इनका ऑर्डर टाइम पे चाहे। सारा दिन रॉन्ग साइड मारते, चालान भी हमारे होते हैं, रॉन्ग साइड इसलिए मारते हैं हमारा पेट्रोल बच जाए, कोई बचत नहीं है सर। अभी आपको राइडर दिखेंगे, रॉन्ग साइड यहाँ से नहीं जाएगा बंदा, यहाँ से कट के यूँ जाएगा, वो देखो वो गया रॉन्ग साइड, वो रॉन्ग साइड जा रहा है, वो रॉन्ग साइड है कि नहीं, कंपनी इससे मतलब नहीं है, मर जाए वो जाके कंपनी को कोई मतलब, उसका ऑर्डर लगना चाहिए, अगर रॉन्ग साइड गया लड़का। सर कई बार गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है, लेकिन इनसे कंपनी 1 रुपया नहीं देती, खाली कहती है कि हम तुम्हें इंश्योरेंस देते हैं। कोई इंश्योरेंस नहीं है इनका, कोई पॉलिसी नहीं है इनकी, खाली यही है आप काम करो, काम करके घर जाओ। सर देखिए एक बात बताइए, जैसे कि हम दिन में 50 डिलीवरी मार रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई, सर देखो डिलीवरी है 3rd फ्लोर 4th फ्लोर की हर कोई होती है, कोई ग्राउंड फ्लोर एक दो मंगाता है। सर आप जैसे अपनी जगह पर हमको रख के देखो, अगर मान लो 10 डिलीवरी लगातार मार दी, 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर पे चढ़ गए, सर हमारा भी शरीर है, हम कोई मशीन तो नहीं है, थक गए। उसके बाद क्या है, किसी कस्टमर से बोलते हैं प्लीज़ सर नीचे आ सकते हो आप, सर कस्टमर भी बोलते हैं सर नीचे से नीचे आना होता तो हम दुकान से जाके नहीं खरीद लेते, हम बोलते हैं सर हम भी थक जाते हैं थोड़ा, आप आधी दूर आ जाओ, आधी दूर हम आ जाते हैं तो थोड़ा हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। तो सर कस्टमर भी बोल देते हैं जाओ हम कैंसिल करा रहे हैं, घर वापस ले जाओ, और सर जब हम वापस ले आते हैं कैंसिल कर देंगे, उस ऑर्डर का 0 मिलेगा हमें, हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो सर इसका मतलब ये है कि मेहनत बहुत है इस लाइन में, अगर एक दिन आप हमारी बाइक पे पीछे बैठ के हमारी मेहनत देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कितना शोषण हो रहा है हमारा। The previous pay structure had a defined base payment of rupees 50 or 60 cents per delivery with incentives according to the distance traveled by the partner to deliver the order. In the new payout system, however, there is no base payment. Delivery partners also received rupees 1000 or $12 as an additional incentive, with rupees 400 or $5 for fuel weekly. Since December, this incentive has been stopped by the firm. The new payout also doesn't mention the fuel allowance. इंसान 1000 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए कमाएगा, उसमें पेट्रोल भी अपना जेब से 50-100 रुपए और ज्यादा लगाएगा, मेहनत भी ज़्यादा देगा, मेहनताना कम मिलेगा, तो सर पड़ता कैसे गाएगा। हम सारी चीज़ों को झेल रहे थे सिर्फ एक इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से अर्निंग हो रही थी,
अब वो अर्निंग ही खत्म हो गई, तो अब हमारा मकसद तो आवाज़ उठाना हो गई, क्योंकि हमारे किसी भी गरीब आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है उसका काम से मिलने वाली अर्निंग। अभी हाल में जिस हिसाब से आप देखिए सारी कंपनियां, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, डंजो हो, ब्लिंकिट हो, ये जिस हिसाब से काम है, मतलब इन इसमें लाखों की संख्या में मजदूर काम कर रहे होते हैं, और एक तरफ तो इनका करोड़ों का मुनाफा हर साल हो रहा है, लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन उसी हिसाब से अगर देखा जाए दूसरे साइड में जिनके थ्रू ये कमाते हैं, इन्हीं मजदूरों का अगर देखा जाए तो लगातार मजदूरों का जो भी आय है वो लगातार घटते जा रहा है। अभी की संख्या में अगर देखा जाए तो गिग इकॉनमी जो पूरा चलने का भी ये बात है कि कोई भी लेबर कोड का जो भी लेबर कोड है वो नहीं फॉलो किया जाएगा, और इनको पहले तो बुलाया जाता है पार्टनर्स, कोई वर्कर भी नहीं बुलाया जाता है। साथ ही साथ जब ये पार्टनर बुलाया जाता है, इनको यही बोला जाता है कि वर्कर होने का जो भी सोशल सिक्योरिटी है वो आपको नहीं मिलेगा। Blinkit is owned by Zomato, one of India's largest food delivery platforms. Meetings between Zomato and the striking workers facilitated by the Labor Department have failed to break the deadlock as of now. The next meeting will be held in May. Several workers' bodies have supported the strike. The App Karmchari Ekta Union or the App Workers Unity Union, affiliated with the All India Central Council of Trade Unions, also sent a charter of demands to the Union Labor Minister Bhupendra Yadav, but claimed that it was ignored. हमारा यूनियन यही मानता है कि जो भी इनको मिल रहा है, जो भी इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है, वो असल में वर्कर की सुविधा के लिए, वर्कर के साथ एक बेहतर, मतलब वर्कर को एक बेहतर सोशल सिक्योरिटी मिले इसके लिए लगाना चाहिए, जबकि ये किसी और चीज़ों में लगा रहे हैं, चाहे वो कोई बड़े फिल्म स्टार को बुला के उनसे ऐड करवा लेने में, या हर दो मिनट में यूट्यूब जब आप खोलिए तो ब्लिंकिट का ही ऐड आ रहा होता है उसमें लगाने के लिए, उसके जगह साथ ही साथ वो करें आप करें, लेकिन अगर आप वर्कर को साथ नहीं लेके चल रहे और नहीं सोच रहे कि वर्कर सोशल सिक्योरिटी उनको मिल रहा है कि नहीं, तो आप ये जान जाइए कि वर्कर के कारण ही आपका कंपनी चल रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो वर्कर भी बताएंगे और बड़े आंदोलनों में शामिल होंगे और पुरजोर रूप से आपका विरोध भी करेंगे, और शायद आपको भी यहाँ से अपनी पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा या भागना भी पड़ सकता है।